देखिए सास बहू बैठ गई हैं, पंचायत होगी 1 घंटा तक इनकी। करो यार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो मैं वही 6 के करीब उठ गई थी। तो मैं अभी अभी भैया सो रहे हैं आपके, तो यहाँ झाड़ू नहीं लगी है। बाकी यहाँ सब साफ करके पोछा लगा के मैंने डाल दिया है, और यहाँ भी मैंने पानी से धुल दिया है पूरा। देख सकते हैं आप, भैया के ऊपर से भी झाड़ू लगा के लाई। तो अब चलते हैं मंदिर ऊपर। तो अब मंदिर भी साफ करना है, वहाँ भी धोना है मुझे। तो अभी आज मैं लेट उठी हूँ, पता नहीं कैसे नींद लग गई मेरी। देखिए गाइस, तो मैं पसीने से डूब चुकी हूँ। वही अभी सुबह का टाइम है, मुझे इतना पसीना आता है। तो अब झाड़ू लगाते हैं। तो गाइस हमारी झाड़ू लग चुकी है, अब हम यहाँ पानी डालेंगे तो यहाँ धोएंगे। गाइस मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ धोने में, ऐसा लगता है पानी पकड़े ही रहे। और ये मटका मैंने खाली करके रख दिया, इसमें से बहुत पानी निकलता था, पूरे में गीला हो जाता। मैं पेड़ को धो रही हूँ, इसमें कीड़े लग जाते हैं। मैं ऐसे सारे पेड़ धो देती हूँ, इन पे बस चढ़ी, इस पे डस्ट चढ़ी रहती है। तो सारे सारे पेड़ धो रही हूँ मैं, इसी के बहाने से पानी भी चला जाता। नहीं तो लेजम से डालो तो उसका ज़्यादा प्रेशर रहता, तो मिट्टी भी निकल आती, जड़ निकल आती उसकी। तो ये रखा मेरा ब्रश, अब मैं करती हूँ ब्रश। मैंने नहा लिया है, मैं नहा के तैयार हूँ। अब चलती हूँ ठाकुर जी को उठाने, वो भी सो रहे हैं। वो भी आज लेट लेट ही उठेंगे, क्योंकि मैं लेट उठी तो वो भी अब लेट उठेंगे। तो अब मैं उनको जगाती हूँ। उठ जाओ उठ जाओ रे, उठ जाओ मेरा लल्ला, उठ गया मेरा लल्ला, उठ गया। तो गाइस अब देखिए ये उठ के तैयार हैं, अब इनकी आंखें खुल ही नहीं रही हैं। कितनी नींद आ रही है, कितनी नींद आ रही है। अब गिर मत जाना, आराम से बैठना। इनके ये बर्तन रखे, ये बर्तन साफ होने हैं। तो गाइस मिलते हैं पूजा के बाद, अब हमें पूजा करनी है, वैसे भी लेट हो चुकी हूँ मैं। तब तक के लिए राधे राधे। कान्हा बोल दो, तुम भी बोलो। देखो मैं कान्हा जी भी बोल रहे हैं राधे राधे। तो गाइस देखिए हमारे ठाकुर जी नहा के तैयार हो चुके हैं, नाश्ता भी कर लिया उनने। तो अब हम चलते हैं नीचे की ओर, कुछ अपना काम धाम देखते हैं। तो हमारे ठाकुर जी अगर पसंद ना आए तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। हाई मम्मी पता नहीं क्या कर रही, आज हमें लेट हो गए तो हमारी मम्मी चाय बना रही। का कर रही मम्मी? देखो आई मम्मी मलाई निकाल रही, तुम्हारे तो ऐसे निकालते ही मलाई। तो आज हमारे पापा को टेम्परेचर हाई होवे वालो है, कहे के आज बज गए देख लो 8:30 बज गए। आज तो बाट लगवे भाई है मम्मी की, हमसे तो वे कछु नहीं कहते। तो अब अपन बना रहे चाय, तो अब ही मिल रहा है तो मैं चाय पी के। तो गाइस हमारी मम्मी सब्जी लेके आ गई हैं। मम्मी कहाँ कहाँ ले आई? आलू प्याज कहे को ले आई? इतने आलू ले ओ, हमारी मम्मी कह रही समोसा बना के ले आए। आज हम लेट उठे तो हमारे तो आज कछु बन नहीं रहो नाश्ता में। तो आज हम अकेले पापा को दे रहे टोस और बिस्किट। तो आज पापा को जई से काम चलाने आए। ले ओ गाइस, हम जब तक आलू देख रहे हैं बीत गया, जब तक हमारी पूरी चाय न कर गई, बड़ो नुकसान होगा हमारा। देखो गाइस जे जा रही हमारी चाय, जे जा रही।
तो गई एक बात बताओ और भूल रहे हम। हाई मम्मी देखो हमारे लाजे काले आई, तो मैं शायद इन्हें देख के कछु याद आओ हुई है, आओ याद बोई हम 1 रुपया की 4 खाते छोटे में, बोई हैंगी संतरा वाली टॉफी तो मम्मी हमारे लिए लेके आई। अब एक की एक आन लगी, पहले हमने तो 1 की 4 खाई, तुम बताइयो भैया कमेंट में तुम और ने कितने की खाई। देखो जो सामान आओ हमारे लाजे, जे वालो संतरा की टॉफी और जे वाले ब्रेड, जे हमारे लाजे आए और बाकी जे सब मम्मी पापा भैया के लाजे आए। हम तो चाय पिया तो नहीं है। ये देखिए गाइस, इनने साधना ने घर पर एक दुकान खोल ली है, कलर लगाने की, कटिंग की और दाढ़ी बनने की सब कुछ। अभी फिलहाल ये भैया की कटिंग ये कर चुकी है, हमने वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अब देखिए कलर हो रहा है इनका। तो कितना रुपए चार्ज करती हो मैडम एक बार कटिंग वटिंग कलर वाला? बढ़िया 100 रुपया रुपया रुपये 100 रुपये। सो गाइस अगर आपको कटिंग वटिंग करानी है तो आ जाइए। हाँ जी गाइस, तो जैसी चाय कटिंग करवानी है आ जाइए, इनसे कटिंग करवाइए 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में। देखिए गाइस कितनी मस्त कलर लगा जा रहा है। इधर पे एक कस्टमर और भी बैठा है पहले से। आपको क्या करवाना है, क्या करवाना है आपको, दाढ़ी बनवानी है? हमें कुछ नहीं कराने। अच्छा तो आप इनके साथ आए हो? अच्छा ये आपका लड़का है? अच्छा तो ये अपने लड़के को लेकर आई है यहाँ पर पार्लर में। दुकान ही देखी थी हमें। इनके दुकान का नाम क्या है आपके दुकान का नाम? अच्छा कल्लू भाई पार्लर, और ये है गैलौरा पठाई गड़ुआ वड़ा के पास। सो आप जब भी आओ तो एड्रेस हमें आपको बता दे रहा हूँ, गैलौरा पठाई गड़ुआ वड़ा के पास है ये पार्लर। कटिंग सिर्फ मात्र कटिंग दाढ़ी कलर मात्र 100 रुपये में। देखिएगा आप देख सकते कैसी कटिंग है, इस तरफ से पूछे हैं पूरे कटोरा कटिंग करवा। हाँ। कटोरा कटिंग करिए इनने, इनने कुछ कटोरा नहीं है, बन साइज है, टू साइज है। देखिए टू साइज है, कल इनने 2 सीटर वो बनाई थी, आज 2 साइड इनने कटिंग कर दी। तो गाइस जरूर आए आप कटिंग करवाने और कमेंट करके बताएं। सो गाइस ये साधना बोल रही है कि इनकी आईब्रो जुड़ जाती हैं। किन की आईब्रो जुड़ जाती हैं? आईब्रो थोड़ी सी है। सो गाइस ये बोल रही है कि मेरी आईब्रो जुड़ी हुई थी और इसने हटाई हैं, और मैं समझ सकता हूँ इसने क्यों हटाई हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि जिनकी आईब्रो जुड़ जाती हैं उनकी 2 शादियाँ होती हैं। 2 शादियाँ नहीं होती, लड़ाई होती। अरे हमारे तो 2 ही शादी किए थे, हमारे तो 2 शादी हो तो जिनकी आईब्रो जुड़ जाती है ऐसी। सो गाइस मैं समझ सकता हूँ इसने क्यों हटाई हैं जो मेरी आईब्रो दोनों, कि ये चाहती है कि मेरी 2 शादी ना हो, कहे यही वजह से। ये हैं जो दो आईब्रो हैं, तो ये मेरी बोल रही है जुड़ी हुई थी, मुझे तो नहीं लगता कि जुड़ी हुई थी। कितने झूठ बोल रहे हैं यार, कम हद हो तो ही जुड़ी तो नहीं थी, बट फिर भी थोड़े बहुत बाल थे इसने हटा दिए इसी वजह से ही, कि अगर ये जुड़ जाती है तो 2 शादियां होती है। और ये भी इनके बाल पे बहुत पतली करवा ली थी हमने, मेरा खो आदा इनसे भी मोटी हो गई है, पहले की फोटो दिखा दे। सो गाइस इसने मेरी आईब्रो हटा के मेरी 2 शादियां नहीं होने दी, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है इस पे। अब मेरी आईब्रो जुड़ेंगी ना तुम हटा नहीं सकते, अब मैं हटवाऊंगा भी नहीं, बस पूरे साफ ही कर दे। हां कर दो साफ है। इतना बता दो भैया की कैसी लगी मेहंदी पे, वो कलर कैसा लगा? भाई देखिए कलर लगा रहा है, कैसा लगा कलर बताइए। ये बोल रही है दुकान खोल रहे हैं अब हम पार्लर। ओहो भैया मैं बता दे, हम प्रमोशन कर दे तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे अपना गड़ुआ गड़ा गैलोरा पठाई। आप आइए और आप इनसे अपने बाल कटवाइए अगर आपको पसंद है तो। हाँ जी गाइस, तो मौसम बढ़िया हो रहा है, ठंडा ठंडा छत पर आ गए हम लोग। ये देखिए ये बैठी हैं, पीछे मम्मी भी आ गई हैं छत पर आने के लिए। सो बढ़िया मौसम हो रहा है आज, दिन भर से बारिश हो रही है हमारे यहाँ, देखिए छत पर हल्की हल्की सी बारिश भी है और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। देख लीजिए पीछे कितना बढ़िया मौसम। सो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा दूं, हम लोगों के यहाँ तो मानसून आ चुका है, आप लोग भी कमेंट करना कि आया नहीं आया। सो मौसम बढ़िया रह रहा है और उसके बाद बारिश भी हो रही है रेगुलर, 2 दिन से बराबर बारिश हो रही है और मौसम बढ़िया ठंडा हो गया है। एसी वेसी वगैरह चलाना बंद, पंखे चल रहे हैं, ठंड लग रही है काफ़ी। सो
सबके यहाँ आ जाएगा, टेंशन मत लो। यूपी में आ गया तो सब जगह आ गया मानसून। सो यूपी में आ चुका है हमारी झांसी में, देखो कुर्सी टूटी है वो अभी से। तो देखिए सास बहू बैठ गई हैं, पंचायत होगी एक घंटा तक इनकी। करो यार।